लेकिन इसमें तिल के साथ साथ चीनी का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो कैरेमल फ्लेवर हम लोग ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आया है, और एकदम क्रिस्पी भी है ये, कुरकुरी भी है और साथ में एकदम पतली भी है। और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज के वीडियो में जैसे आपने देखा, हम लोग बनाएंगे एकदम पापड़ जैसी पतली तिल पट्टी की रेसिपी। एकदम इजी रेसिपी है दोस्तों, आप चाहो तो इसको गुड़ से भी बना सकते हो, चीनी से भी बना सकते हो, और हमेशा बिल्कुल ऐसी पतली पापड़ जैसी बनेगी। तो रेसिपी शुरू करें। रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग तिल को तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है आधा कप सफ़ेद तिल, इसको हम लोग रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, मेरे को बहुत पसंद है। वैसे ही बनाते हैं आज। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम करी है और कढ़ाई में मैं ये तिल डाल दूंगा। तिल को हम लोग को रोस्ट करना है मीडियम हाई फ्लेम पर, कंटिन्यू चलाते हुए, जब तक ये नाचने स्टार्ट ना कर दे, मतलब डांस करने लग जाएंगे ये बिल्कुल कढ़ाई में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, मतलब 2 से 3 मिनट में ये जो तिल है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बस कंटिन्यू चलाते रहिएगा वरना नीचे से ये जल जाएंगे। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये नाचने स्टार्ट कर दिए हैं और इनमें आवाज़ भी आ रही है। वीडियो में आवाज़ नहीं डाल पाया मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कभी ऐसी रेसिपी बनाऊँ तो। आप देख सकते हो मैंने गैस बंद कर दी है, अभी भी मैं इसको कंटिन्यू चलाते रहूँगा क्योंकि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म है दोस्तों, हम लोग का तिल जल जाएगा। और 2-3 मिनट तक इसको ऐसे चलाने के बाद हम लोग इसको कोने में रख देंगे। चलिए, मैंने उसको एक बार कोने में रख दिया, तिल ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, चीनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन गरम किया है, आप कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन स्टिक मत करिएगा, बिना नॉन स्टिक वाला या फिर कोई कढ़ाई बेटर रहेगी ये स्टेप के लिए। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी इस्तेमाल करी है, मतलब जितना तिल था उससे 2 गुना चीनी। ये चीनी को हम लोग हाई फ्लेम पर बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, ये चीनी धीरे धीरे अपने आप घुल जाएगी। वैसे आप अगर चाहो तो इसको है ना गुड़ से भी बना सकते हो। ये स्टेप में अभी हम लोग कैरेमल बना रहे हैं, मतलब कैरेमल वही वाला जो केक में होता है, आइसक्रीम में होता है, वही वाला कैरेमल, या फिर चिक्की बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। अगर आप पानी डाल देते हो तो फिर वो पानी को उड़ाने का स्टेप हो जाता है, जिसकी वजह से एक अंदाज़ा चला जाता है, मेरे को नहीं पसंद है। मैं ड्राई कैरेमल बनाना पसंद करता हूँ, इससे कलर और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। आप देख सकते हो धीरे धीरे चीनी पिघल जाती है और धीरे धीरे मैं कैसे चम्मच से इसको चला रहा हूँ। केयरफुल रहिएगा, ये जो चीनी होती है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आपका हाथ बिल्कुल जल जाएगा अगर आप इसके पास रहोगे तो ध्यान से बनाइएगा। जब ये पूरी गोल्डन ब्राउन हो जाती है तब हम लोग है ना पापड़ बनाने का स्टेप स्टार्ट करेंगे। पापड़ बनाने के लिए आपको है ना कोई टाइप का पेपर चाहिएगा, प्लास्टिक में आप नहीं बना सकते हो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई वैक्स पेपर, बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर चाहिएगा। बटर पेपर तो आपको पास वाली स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा, वैक्स पेपर भी आपको कोई मिठाई की दुकान में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर इस्तेमाल किया, ये मेरे पास बेकिंग की रेसिपीज बनाता हूँ तो इसलिए पड़ा था। आप कोई भी टाइप का नॉन स्टिक पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 पेपर लिए ना, नीचे वाले पेपर में मैंने 1 चम्मच के आसपास चीनी डाल दी है, ऐसी गरम गरम रहनी चाहिए दोस्तों। चीनी के ऊपर अब हम लोग डाल देंगे तिल। तिल आप देख सकते हो मैं कैसे डाल रहा हूँ, फटाफट हम लोग इसको ढक देंगे और फिर इसको बेल देंगे बेलन से। बस बिल्कुल ऐसे ही आपको ये कंटिन्यू बनाते रहना है और आपके तिल की पत्ती या फिर तिल के पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल फटाफट करने वाला काम है दोस्तों, आप इसमें आराम से करोगे तो वो हल्के से मोटे बनेंगे, अगर आप फटाफट बनाओगे तो एकदम पतले पापड़ बनेंगे, एकदम बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के सारे तिल पत्ती बना लूँगा। और हाँ, आप सोच रहे होगे चीनी है, चीनी तो गाढ़ी हो जाएगी, तो क्या करिएगा आप, जब आप है ना 5-6 तिल पत्ती बना लोगे ना तो आपको लगेगा कि ये चीनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, एकदम चिपचिपी हो चुकी है। इसको फिर से ठीक करने के लिए गैस में बस 10 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए और ये फिर से नरम हो जाएगी। ज़्यादा गर्म मत करिएगा, 10 सेकंड बहुत है इसके लिए। चीनी वापस जब लिक्विड हो जाती है आप ये स्टेप फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, 1 चम्मच डाल लीजिए, उसके ऊपर तिल डाल लीजिए और फिर ढककर बेलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो आप गोल शेप बना पाओगे, लेकिन मेरे को तो भाई ऐसी लंबी शेप ज़्यादा पसंद है। बाज़ार में तो आसानी से मिल जाते हैं ये पापड़ ये सीज़न में स्पेशली, लेकिन घर के बनाए हुए तिल पापड़ की बात ही कुछ और है। आप देख सकते हो कितने पतले बने हैं, एक तरीके से आप है ना तिल पापड़ के दूसरी तरफ भी देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट बने एक तरीके से। मेरे को तो ये तिल पापड़ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं और मैंने सारे ही बना लिए, एकदम बढ़िया बने हैं।
और आप इसको अगर स्टोर कर रहे हो ज़्यादा दिन के लिए, तो फिर आप इसके बीच बीच में अगर आप एक वैक्स पेपर या फिर बटर पेपर लगाओगे तो बेटर रहेगा, वरना चांसेस रहते हैं ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड वेदर में ये चिपक जाने का। तिलपट्टी बिल्कुल तैयार है, देखने में परफेक्ट लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत बार आपको बाज़ार में वाइट वाली तिलपट्टी मिलती है, उसमें मेरे को ज़्यादा फ्लेवर नहीं लगता। तिल का फ्लेवर अच्छा रहता है, लेकिन इसमें तिल के साथ साथ चीनी का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मेरी तो भाई बहुत फेवरेट है ये। ठंडी की सीज़न में जब मेरी मम्मी तिल पट्टी बनाती है तो मेरे को मन करता है और पतली बनाने का, और मैं ऐसे बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से हम लोग ये वैसे रेगुलर खरीदते ही है, आपको भी पता होगा डब्बे में आती है, एक एक बटर पेपर बीच में रहता है, लेकिन बहुत बार श्योर नहीं रहता है चीनी से बनी है, गुड़ से बनी है, कोई आइसोमोल्ट जैसी चीज़ से बनी है। घर में बनाते हो तो आपको पूरा श्योरिटी रहती है कि हाँ मैंने चीनी से बनाई है, गुड़ से बनाई है। तो बनाइए, मुझे बताइए कि कैसा बना, बहुत पसंद आएगी। वैसे तो तिल के लड्डू वगैरह बनते ही है ये सीज़न में, लेकिन जब आप ये बनाओगे तो आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक क्लिक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक क्लिक करिएगा। बाकी सब आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, कर देना भाई। बाय बाय।